आप सभी का स्वागत है इंग्लिश अधिकारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 9 अप्रैल 2022 के सभी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि इस पर्टिकुलर सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करके डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड करके भी जितने भी अवेलेबल कोर्सेज हैं एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस एक्सक्लूसिवली जो 2022 में अभी बनाए गए हैं इंग्लिश मीडियम में उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। चल तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। कल यानी 8 अप्रैल का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो ये था, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हाईएस्ट रेलवे ओवरब्रिज ऑफ एमपी हैज बीन बिल्ट। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा आरओबी रेलवे ओवरब्रिज, और मैंने आपको साफ साफ बताया था बिल्कुल गलत नहीं सोचना है कि रेल ऊपर से जाएगी यानी ट्रेन ऊपर से जाएगी, बिल्कुल नहीं, ट्रेन नीचे से ही जाएगी, ऊपर रोड ब्रिज है तो इसको हम लोग आरओबी बोलते हैं। तो जब ट्रेन नीचे से ऊपर रोड ब्रिज है इसको आरओबी बोला जाता है, और मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट आरओबी कटनी में बनाया गया है और इसकी हाइट 18 मीटर्स है। तो ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा हमारा कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हैज बीन ऑनर्ड विद 2 अवार्ड्स इन स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड 2022। कल मैंने आपके सामने इंदौर को 2 इनोवेटिव अवार्ड मिले हैं, और वो कौन-कौन से हैं? तो एक तो जो शी कुंज की जो योजना है, जो एक बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया है जो वुमेन के लिए स्पेशल टॉयलेट्स बनाने का, वो उसके लिए अवार्ड मिला। दूसरा हमने बोला था 2-व्हीलर पार्किंग, तो जो 2-व्हीलर पार्किंग में भी इनोवेशन लाया गया, कम जगह में मैक्सिमम पार्किंग कैसे करें वो भी इंदौर ने किया, जिसकी वजह से ये दोनों अवार्ड स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड में 2 अवार्ड इनोवेशन के लिए इंदौर को मिले। चल तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Recently, how many gold medals have been won in MP in the National Kickboxing Event? तो National Kickboxing Event बिपिन रावत साहब की मेमोरी में आयोजित किया गया, और इसमें मध्य प्रदेश को 17 गोल्ड मेडल मिले जबकि 4 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मिले। ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, रिसेंटली विच पुलिस ऑफिशियल ऑफ CBI भोपाल हैज बीन अवार्डेड यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। बहुत जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की थी, और वो केस भी कल मैंने आपसे पूरा डिटेलिंग में डिस्कस किया था कि क्यों इनको मिला है, कितना वो हमने देखा था, जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन किया और पुलिस वालों की अगेंस्ट इसमें इनने पूरी चार्जशीट फाइल की कि उनकी ही गलती थी, और अल्टीमेटली इनको इसी के लिए बिल्कुल निष्पक्ष करेजियस जांच करने के लिए अतुल हजेला साहब को यूनियन होम मिनिस्टर का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी हमने देख लिया था ना। चलो नेक्स्ट चीज, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ MPIAS एसोसिएशन। तो मध्य प्रदेश IAS एसोसिएशन के नए चेयरमैन तो हमने बात कर ली थी, मोहम्मद सुलेमान साहब। चलिए तो यहां तक के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए थे कल के, अब हम लोग आते हैं आज का पहला क्वेश्चन, अप्रैल 9 का पहला क्वेश्चन, इन विच नेशनल पार्क ऑफ एमपी विल बैगा कल्चरल हब बी कंस्ट्रक्टेड। तो बैगा कल्चरल हब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, नाम से ही दिख रहा है। बैगा क्या है? बैगा मध्य प्रदेश की एक जनजाति है। मैं आपको बता दूं कि बैगा, भरिया और सहरिया ये मध्य प्रदेश की 3 सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, यानी मोस्ट बैकवर्ड एंड स्पेशली प्रिमिटिव ट्राइब्स का इनको दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो मैं यहां पर एक बार लिख भी देता हूं, तो जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि ये 3 हमने अभी ट्राइब्स के बारे में मैंने बोला, एक है भरिया, एक है बैगा और एक है सहरिया। तो ये 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मोस्ट बैकवर्ड और स्पेशली प्रिमिटिव जनजातियां ट्राइब्स घोषित की गई हैं ये मध्य प्रदेश की। तो अभी हम लोग इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंडिया में कितनी है, मध्य प्रदेश में ये 3 घोषित की गई हैं, और इनमें से ही एक बैगा कल्चरल हब अब एक बनाया जाना है। कहां बनाया जाना है? कान्हा नेशनल पार्क में ही बनाया जाना है। नाम से दिख रहा है बैगा कल्चरल हब। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर असल में ये ट्राइबल टूरिज्म है ना, तो ऐसे लोग जो कि ट्राइब्स का कल्चर जानना चाहें तो इन जगहों पर ट्राइब्स के कल्चर को, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन लगेगा, उनका फूड जो ट्राइबल क्यूजीन है, बैगा लोग जो खाना खाते हैं वही खाना यहां पर सर्व किया जाएगा। यहां पर बकायदा रेसिडेंशियल हट बनाए जाएंगे कि भाई कोई फॉरेनर या कोई इंडियन ही अगर यहां पर रहना चाहे तो यहां पर रहे, बैगा लोगों का पूरा लाइफस्टाइल कल्चर देखे। यहां पर एक ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा कान्हा नेशनल पार्क में, बैगा कल्चरल हब में, ताकि बैगा के डांस, बैगा कम्युनिटी के क्या डांसेस हैं, उनका क्या ड्रामा है, क्या फेस्टिवल है, वो सब भी शोकेस कर सके। तो कुल मिला के बैगास की पूरी लाइफस्टाइल को, यहाँ पे एक ट्राइबल कैफे भी बनाया जाएगा, तो ये पूरी लाइफस्टाइल बैगा किस प्रकार जीते हैं वो यहाँ पर किया जाएगा। और ये बहुत पूरी दुनिया में, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज बन चुका है, तो विदेशी लोग खास तौर पे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और ट्राइब्स कैसे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो देखने आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे क्या होगा, जो ट्राइब्स हैं उनको भी इनकम डेवलप हो जाएगी किसी प्रकार से।
तो बैगा कल्चरल हब, प्रमोशन ऑफ बैगा आर्ट एंड क्राफ्ट, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के एग्जीबिशन लगेंगे, बैगा ट्राइब जो बनाती है यहाँ पे रेसिडेंशियल हट बनाए जाएंगे, कोई रहना चाहे ट्राइबल कैफे होंगे जहां पर बैगा लोगों का खाना सर्व किया जाएगा, ऑडिटोरियम जहां पे बैगा लोगों का डांस ड्रामा ये प्रदर्शित किया जाएगा। बैगाज मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है ना, प्रिमिटिव ट्राइब है, और इनके अलावा सहरिया और भरिया भी मध्य प्रदेश की दो और दूसरी बैगा के साथ साथ मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है, ये भी हो गया। कान्हा नेशनल पार्क में ये बैगा कल्चरल हब बनाया जाएगा। तो थोड़ा कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। ये 1955 में हम देखते हैं इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला, लेकिन काफी कम लोगों को मालूम है कि लोगों को लगता है कि एस्टैब्लिश भी 1955 में हुआ। नहीं, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1933 में ही एस्टैब्लिश हो गया था। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इसके पास दर्जा था 1933 से, लेकिन नेशनल पार्क का जो दर्जा है वो बिल्कुल 1955 में मिला है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया वाइज नेशनल पार्क है, 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। और हमने देख लिया इसके बाद, अच्छा ये कहां पर है, ये मंडला और बालाघाट दोनों में है। इसका जो मेन रीजन है वो मंडला में मौजूद है, मगर इसका कुछ रीजन मौजूद है बालाघाट में भी। और अगर आप डेली करंट अफेयर से जुड़े हैं तो मैंने आपको एक मूवी भी बताई थी शेरनी, विद्या बालन की मूवी जो शेरनी है, उसकी जो शूटिंग है वो कान्हा नेशनल पार्क में हो रही है, वो भी बालाघाट वाले रीजन में जो पड़ता है कान्हा, उसमें हो रही है। चल तो नेक्स्ट बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं भाई डेली आओगे तो आपका रिवीजन होगा, बहुत सारी बातें तो आपको रिपीटेड मिलेंगी। व्हेन वाज द स्टेट लेवल युवा संवाद कार्यक्रम ऑर्गेनाइज बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब मामा जी ने युवा संवाद कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया तो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस जितनी भी है, सबके बच्चों को बोला गया कि भैया आप सीएम से संवाद करो। तो लगभग 16.5 लाख बच्चों के लिए चीज थी। 6 अप्रैल को ये ऑर्गेनाइज हुआ था, तो युवा संवाद कार्यक्रम तो वर्चुअली ऑब्वियसली है कि ये असल में हुआ था कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल जो भोपाल में है। मिंटो हॉल का नया नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मिंटो हॉल का नया नाम ही कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल है, जहां पर ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था। तो जितने लोग वहां बैठ पाए वो तो बैठ पाए, लेकिन इसके अलावा बाकी जो स्कूल कॉलेजेस पूरे मध्य प्रदेश में, वहां से लोग ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से इनसे, शिवराज सिंह चौहान, ये हैं शिवराज सिंह चौहान, छोटे-छोटे दिख रहे होंगे आपको, तो यहां पर बैठे हुए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था और कई बच्चों ने अलग-अलग जगह प्रदेश से से क्वेश्चन पूछे हैं। यहां पर आपको बैठे हुए दिख रहे हैं मोहन यादव, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये प्रोग्राम आयोजित किया था। चलो तो इनके बारे में बड़ी डिटेलिंग करते हैं। अभी सब जो मैंने बताया सब लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना है। तो 6 अप्रैल 2022 को युवा संवाद कार्यक्रम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया। आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है और हम देखते हैं कितने बच्चों को यहां पे जो मेन चीज है हमारी, तो यहां पर एक इसको सही कर ले, तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इंटरेक्टेड विद 16.5 लाख स्टूडेंट्स ऑफ मोर देन 1300 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस थ्रू युवा संवाद यूथ डायलॉग ऑन अप्रैल 6। हायर एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है, मोहन यादव, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। युवा संवाद कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल, मिंटो हॉल का नया नाम है, मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा थी, 1956 में 1956 में एमपी बनता है, 1956 से 1996 तक हम देखते हैं कि यही विधानसभा थी। और 1996 में मध्य प्रदेश की नई विधानसभा कौन सी बनती है, इंदिरा गांधी विधान भवन, जो आज भी मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन 56 से 96 मिंटो हॉल था और अब उसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल है, जहां पर ये युवा संवाद कार्यक्रम हुआ। अच्छा, यहां पर अब दो विशेष बात जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, एक नई स्कीम यहां पर शुरू की गई थी इसी दौरान कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में, जब ये पूरा युवा संवाद कार्यक्रम चल रहा है, वो स्कीम का नाम है स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस स्कीम, नाम से दिख रहा है। इस करियर गाइडेंस स्कीम में क्या होगा, गाइडेंस मिलेगी बच्चों को जो उनके करियर के लिए चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई बच्चों के पास फिर भी ठीक-ठाक गाइडेंस है, आप वैकेंसी तो निकालो। यहां पर बच्चों को यही क्वेश्चन करना चाहिए था कि भैया ये सब चीजें ठीक है, संवाद कार्यक्रम, आप प्लीज वैकेंसी निकालो पहला, दूसरा वैकेंसी निकालने के बाद रिजल्ट टाइम पर दो, है ना, और घोटाला वोटाला ना होने पाए इस पर ध्यान दो। यही होता है युवाओं का मेन क्वेश्चन नौकरी। चलो तो कुल मिला के इसके अलावा यहां पर एक और चीज शुरू की गई, डिजिटल डिजी लॉकर। तो ये किया गया डॉक्यूमेंट्स को सेव रखने के लिए ऑनलाइन मोड में। तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है ना कि भाई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होती हैं लेकिन घर पर पड़ी है, अब वहां पर किसी जगह पर चाहिए, अब तुम किसी दूसरे जिले में हो, तुम्हारा घर कोई दूसरे जिले में है, तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अब डिजिटली मौजूद हैं और गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि ये जो भी आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हर जगह वैलिड होंगी, तो आपका काम हो गया, अब आपको अपने जिले जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आप फॉरवर्ड कर सकते हो डॉक्यूमेंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हेयर अ बुकलेट, नई शिक्षा नई उड़ान ऑन
ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज ऑल्सो रिलीज्ड। तो एक बुकलेट शुरू की गई है। अब आपको अगर मालूम हो, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, जिस साल कोविड था, और उसी के आधार पर उसको और प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में जागरूक करने के लिए नई शिक्षा नई उड़ान ये बुकलेट रिलीज की गई 6 अप्रैल 2022 को। और ये स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस स्कीम पूछेगा कौन से दिन ये इशू किया गया, लॉन्च किया गया, तो ये भी आपको बताना है कि 6 अप्रैल 2022। तो अच्छे से मेरी बात सुनना, 6 अप्रैल 2022 को ये स्कीम डिजिटल डिजी लॉकर, इसके अलावा नई शिक्षा नई उड़ान ये बुकलेट। नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक मैगजीन भी रिलीज की गई है, उत्कर्ष। उत्कर्ष जो मैगजीन है वो स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस स्कीम को ही और डिटेल में बताती है। तो स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस स्कीम के बारे में अगर आपको और जानना है तो उत्कर्ष मैगजीन आप परचेस कर सकते हैं। चलो भाई, तो ये हमने कर ली पूरी यहां तक की बात, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था, मतलब ये जो लास्ट लाइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला स्टेट इंडिया का जो कि मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन कंट्री में सबसे पहली बार शुरू करेगा, तो अच्छे से ये चीज को दिमाग में फिट करना है। तो पहला स्टेट पूरी कंट्री में जो एक नया मिशन शुरू कर रहा है, मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। मैं यहां पर पर्सनली आपको ये कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो बातें कही गई है ना, अगर वो हो जाए तो मध्य प्रदेश एक प्रकार से इंडिया का बेस्ट स्टेट बन जाए मेडिसिन में। मैं बताता हूं इसमें क्या कहा गया। इसमें ये कहा गया है कि हम बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो उनका जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो रिसर्च है, वो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को, जो डॉक्टर बनने वाले हैं और जो डॉक्टर हैं, उनको प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके लिए MOU साइन करे गए हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की नॉलेज लेंगे, एमोरी यूनिवर्सिटी एक US में, उससे इन्फेक्शियस डिसीज, जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, क्या रिसर्च है वो लेंगे। इनफैक्ट इंडिया के जितने बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल चेन्स हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल चेन, फोर्टिस हॉस्पिटल चेन, टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई की कितनी बड़ी चेन ये हो गई, इसके अलावा शंकरा नेत्रालय चेन्नई, इन सब से हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, ऐसा इस स्कीम में बोला गया है। और इनके पास जितना भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जितना भी रिसर्च वर्क है, जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट लेटेस्ट है, ये सब हम मध्य प्रदेश के लोगों को बताएंगे। मेन चीज यहाँ पे नॉलेज हम लेंगे, क्योंकि देखो अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज है, इक्विपमेंट आप खुद भी बना लोगे, तो बात यह कि नॉलेज हमको लेनी है। और ये प्रोग्राम पूरा बनाया गया है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया जबरदस्त प्रोग्राम। 7 अप्रैल 2022 को इसको शुरू किया गया, और शुरू किया गया है विश्वास सारंग जी द्वारा। विश्वास सारंग जी कौन है? तो ये मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है, कुछ दिन पहले भी मैंने इनका नाम बताया था आपको, याद है जब मैंने आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट चार जगहों पर आएंगी उसके बारे में बताया था, तब भी इसका इनका नाम आया था। तो बस वही वाली बात है, रोज जुड़ेंगे तो रोज फायदा मिलेगा। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास कैलाश सारंग इनका पूरा नाम, इनने शुरू किया है मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन। ये अपनी तरीके का पहला ऐसा स्कीम है पूरे इंडिया में। मैं पढ़ देता हूं। विद दिस मिशन डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ एमपी विल गेट एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिसर्च वर्क ट्रेनिंग अवेलेबल एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अंडर दिस मिशन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस विल एक्सचेंज एडवांस्ड मेडिसिनल नॉलेज अलॉन्ग विद द यूज ऑफ मेडिकल रोबोटिक्स सुपर स्पेशलिटी सर्जरी, मतलब जितनी भी बेस्ट चीजें हैं, यहां तक की आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी यहां पर डेवलप करने की बात कही गई है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस। देखो आप लोगों को इतना डेप्थ में नहीं जाना, बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि मिशन कितना ज्यादा एम्बिशियस है, कितना महत्वाकांक्षी है। आप देखो इसके अलावा एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर भी डेवलप करेंगे, ठीक है, ताकि पेशेंट्स का जितना भी डिसीजेस वगैरह हो पहले से ही हम लोग डिटेक्ट कर पाएं कि किस दिशा में पेशेंट बढ़ रहा है। अच्छा, इसी में फर्दर ये बात कही गई कि एक इंक्यूबेशन सेंटर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में आएगा, जहां पर न्यू मेडिकल डिवाइसेस पर रिसर्च होगी। तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है और वहां पर न्यू मेडिकल डिवाइसेस पर रिसर्च होगी इसी मिशन के अंदर, मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत। इसके अलावा MOU साइन किए गए हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी और एमोरी यूनिवर्सिटी से, ये भी मैंने आपको बता दिया। जो मैंने रेड रेड कलर में हाईलाइट किया है ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना, बाकी छोड़ देना। तो रेड रेड कलर में क्या हाईलाइट किया, तो वो होती है समरी। तो हमने देखो बोला डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट्स को बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, बेस्ट नॉलेज मिलेगी, बेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी दुनिया में है वो एक्सेस करवाएंगे, ताकि हमारे यहाँ के पेशेंट्स को दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में ना जाना पड़े, सब यहाँ पर ही मौजूद, उनको पूरा नॉलेज भी हो और पूरी चीजें, फैसिलिटी, ट्रीटमेंट उनको यहाँ पर पेशेंट्स को मिल जाए, डॉक्टर्स को पूरी नॉलेज यहीं पर इसलिए उपलब्ध करवाएंगे। AI का इस्तेमाल, एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर
डेवलप करवाएंगे। गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए क्या बोला कि गांधी मेडिकल कॉलेज में न्यू मेडिकल डिवाइसेस के लिए रिसर्च सेंटर खोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर वॉज दी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल से राहत योजना 2022 लॉन्च्ड रिसेंटली। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग योजना, इस योजना में कहा गया है कि कोविड के दौरान जिन लोगों ने कोविड के दौरान इलेक्ट्रिसिटी बिल जो नहीं भर पाए या नहीं भरा, उन लोगों के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, ऐसे 88 लाख बेनिफिशरीज को यहाँ पे फाइंड किया गया है और उनको ही दिया जाएगा बेनिफिट, उनके बिल माफ कर दिए जाएंगे। ठीक है, बड़ी ही अच्छी योजना, सही बात है, अच्छी योजना है, माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन जिनने बिल भरा उनका क्या, मतलब ये तो यार गलत स्कीम है ना, मतलब जिनने बिल भरा वो पगले थे क्या, उनको भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए था ना, उनको मालूम होता कि ये भविष्य में माफ हो जाएंगे, वो भी नहीं भरते तो ये कोई स्कीम क्या, हट ये कोई स्कीम नहीं है। तो कुल मिला के चीफ मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल से राहत योजना कटनी से शुरू की गई, कटनी के स्लिमनाबाद से शुरू की गई। स्लिमनाबाद की अगर आपको कहानी मालूम हो तो एक कर्नल थे जिनका नाम था स्लीमैन, तो कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को खत्म किया था सबसे पहले इसी क्षेत्र से, और इसलिए इस क्षेत्र का नाम जो कटनी के अंदर है उसका नाम स्लीमैन कर्नल के नाम पर ही स्लिमनाबाद रखा गया है ना। तो यहीं से ठगी प्रथा में होता था कि भाई मतलब राहगीर जो चलते राह चलते लोग थे उनको लूट लिया जाता था ठग्स के द्वारा, तो उसको खत्म किया गया था और स्लीमैन ने खत्म किया था, और कहां से खत्म किया था, स्लिमनाबाद, और इसलिए इसका नाम स्लिमनाबाद रखा गया। तो ये मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिसिटी बिल से राहत योजना, क्वेश्चन आ सकता है कि कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगी, तो 88 लाख इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को बेनिफिट पहुंचाएगी, और कितने करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी कंपनीज को। भाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थोड़ी ना अपनी जेब से देंगी, माफ कौन कर रहा है, सरकार माफ कर रही, तो सरकार 6400 करोड़ रुपए का ये राशि उन कंपनीज को दे देगी, तो 6400 करोड़ रुपए की राशि कंपनीज को दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैंने बोल दिया। तो 31 अगस्त 2021 तक जितने भी लोगों के जो बिल आए ना कोविड के टाइम पर, जितने भी लोगों के जो बिल आए हैं जिनने नहीं भरे अभी तक, उनका माफ हो गया। तो यहां पर अब मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं पूरी चीजें। तो अप्रैल 9 का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि इन विच नेशनल पार्क ऑफ एमपी बैगा कल्चरल हब विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो कान्हा नेशनल पार्क में बैगा कल्चरल हब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और यहां पर बैगास की लाइफस्टाइल से लोगों को परिचित करवाएंगे, उनके कल्चर से परिचित करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा संवाद कार्यक्रम हाल ही में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में हुआ और इसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया, ये कौन से दिन आयोजित हुआ। तो हमने बोला ये 6 अप्रैल को आयोजित हुआ, तो 6 अप्रैल 2022 को यह आयोजित हुआ, जहां पर क्वेश्चन आंसर राउंड बच्चों और मामा जी में हुआ होगा। और हमने ये भी बोला कि इसी दिन एक स्कीम लॉन्च की गई, स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस स्कीम और डिजिटल डिजी लॉकर, तो ये दोनों 6 अप्रैल को लॉन्च किए गए। और इसके अलावा दो बुकलेट, नई शिक्षा नई उड़ान, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको, उसके बारे में जनता को अवेयर करने के लिए, साथ साथ उत्कर्ष मैगजीन, ताकि जो स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस स्कीम है ये लोगों तक पहुंचे, लोग पढ़ेंगे इस स्कीम को, ऐसी उम्मीद है ना। नेक्स्ट, मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट ने देश में शुरू किया, मध्य प्रदेश ने शुरू किया, जहां पे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट और डॉक्टर को मैक्सिमम नॉलेज, जो भी दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, वो सब उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ये भी हमने पढ़ लिया, 7 अप्रैल को विश्वास जो सारंग है ना, तो उनके द्वारा, विश्वास सारंग जी द्वारा ये शुरू किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चीफ मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल से राहत योजना कहां पर लॉन्च की गई, तो ये कटनी के स्लिमनाबाद से लॉन्च की गई। 6400 करोड़ भी फिगर याद रखना पड़ेगा कि 6400 करोड़ रुपीस इसमें माफी दी जाएगी 88 लाख लोगों को। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के आपके जवाब जब मैं नीचे देखता हूं तो निश्चित रूप से मुझे बेहद खुशी होती है। आप लोग इसी तरीके से जवाब दिया करो, मैं आपको क्लास में इन चीजों से मोटिवेट करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मोटिवेट किया करो कि वाह सर। तो आप वैसे भी अपना जो भी फीडबैक है कि आपको क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को शेयर करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब भी आप दिया करें। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए ये है कि हाल ही में टेपा कॉमेडी सम्मेलन उज्जैन में आयोजित हुआ था, ये हर साल 1 अप्रैल को, यानी इंटरनेशनल जो फूल्स डे होता है, बोलते हैं ना अप्रैल फूल, तो 1 अप्रैल को 1970 से उज्जैन में आयोजित हो रहा है। जो अभी वाला आयोजित हुआ
वो कौन विनर उसमें आया, तो आपके सामने ऑप्शन है सुनील पाल, भगवंत मान, कपिल शर्मा, हरपाल भट्ट। तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, किसी की फोटो नहीं लगाई यहाँ पे जो जीता है, है ना। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। चल तो अब हम लोग यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। तो जो नए बच्चे हैं मैं बता दूं कि हमारे पास एमपी पॉलिटी, एमपी इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी सबका प्री प्लस मेंस, इसके अलावा यूनिट वन प्रीलिम्स, ये सब अवेलेबल है, है ना। तो वो सब एक्सेस करने के लिए आप हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं। चल कोई भी समस्या आने पर इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप सभी बच्चे जा सकते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।